इमाम जी आपका स्वागत है राजस्थान पत्रिका के कोटा के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप लगातार पिछले दिनों से लगे हुए हैं, तीसरा चौथा चक्कर आपने कोटा लगाया है, क्या कोई खास प्लानिंग है आपकी इसको लेकर? देखिए मैं मानता हूँ कि हर आर्टिस्ट की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, रही बात मेरी, मैं मानता हूँ कि राजस्थानी होने की हैसियत से ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय सोशल ऑब्लिगेशन टू प्रमोट राजस्थान एंड इट्स वास्ट कल्चरल हेरिटेज। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मुकुंदरा हिल्स जो एक टाइगर रिजर्व है, वो एक इकलौता टाइगर रिजर्व है दुनिया का जहाँ टाइगर ही नहीं, तो यहाँ अगर टाइगर आते हैं तो जाहिर सी बात है उसका फोकस कोटा पर आएगा, इकोनॉमी में बढ़ाव होगा, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जितना मेरे से मुमकिन होगा जान से माल से वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के बीच में भी गए, लोगों को भी जैसे कि प्रॉब्लम आती है कि लोग अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहते, जमीन नहीं छोड़ना चाहते, एक अनऑफिशियली आपने एक मुहिम चलाई उन लोगों को कन्विंस करने की, जी तो क्या आपको लगता है कि जैसे सरकार है, सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो काम आप कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई खास मोटिव? मैंने ज़िंदगी में कोई एक जगह अपने आप को स्थापित नहीं किया, मैं मतलब एक तरीके से बंजारा हूँ, मैं मतलब पूरी ज़िंदगी मैंने किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं जान सकता हूँ और समझ सकता हूँ किसी की पीड़ा की, उनकी उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अगर ज़िंदगी भर वो लोग एक जगह पर रहते आए हैं और अचानक आप उनको बोल रहे हो कि हम यहाँ टाइगर रिजर्व बना रहे हैं और आपको रातों रात यहाँ से निकलना है, उसके लिए आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा हक तरीके से, जो आपका हक है, आपको मतलब पुनर्निवास आपका तरीके से नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ये समझा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि उन लोगों से जाके मिलूं एक बार और उनकी क्या समस्या है, उसका उस समस्या का समाधान क्या है, उसको करने का मैंने प्रयास किया। जैसे कि आप आज गरड़िया गए, आपको देखा, ओहो माशाल्लाह क्या जगह है, वो जन्नत है, वास्तव में जन्नत। तो क्या इस तरह के कुछ जो आप लगातार वीडियोस या इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कुछ इस कोटा को स्पेशली प्रमोट करना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री? मैं पूरे हिंदुस्तान को प्रमोट करना चाहूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं राजस्थान को प्रमोट करना चाहूँगा और खास करके कोटा और अलवर। आई लव दीज टू प्लेसेस इन राजस्थान, दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल। हमारे साथ थे इमाम जी और लगातार वो कोटा को प्रमोट करने और ख़ासतौर पर कोटा के टूरिज्म को और गरड़िया महादेव के साथ साथ में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनके साथ सबसे बड़ी खास चीज़ है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था आप कर रहे हैं, यहाँ के जो गाँव के लोग हैं जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बसे हुए हैं उनको कन्वेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जो जैसा मिल रहा है वैसे बाहर आएँ और उस इंडस्ट्री से जुड़ करके अपने भविष्य और रोज़गार की संभावनाएं तलाशते हुए उस जगह को छोड़ करके माइग्रेट हों। शुक्रिया।